चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आरडी शर्मा से हम क्वेश्चनों को कवर कर रहे थे, आज भी हमें वही क्वेश्चनों को कवर करना है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कवर करना है, इसे नोट करें, और ये है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई क्या करना है देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब बेटा। हाँ वो थोड़ी सी कम है, अभी सही हो जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब। और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन। अब डिनोमिनेटर में है ए माइनस बी होल क्यूब, बी माइनस सी होल क्यूब और सी माइनस ए होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमें सिंप्लीफाई करना है। और कैसे सिंप्लीफाई होगा देखिए, तो कल हमने कुछ क्वेश्चनों को कवर करा था। एक आइडेंटिटी यहां पर बनेगी और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमें आइडेंटिटी का ही यूज करना है। यहां पर हम इस तरह समझ सकते हैं, अगर इस पूरी टर्म को हम यू मान लें तो ये यू का क्यूब है, इसे वी मान लें तो ये वी का क्यूब है, इसे डब्ल्यू मान लें तो ये डब्ल्यू का क्यूब है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम अलग अलग सॉल्व यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को। इसके लिए हमने क्या करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने यू मान लिया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हमने वी से डिनोट कर लिया और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमने डब्ल्यू से डिनोट कर लिया। अब अगर हम यहां पर सम फाइंड करते हैं यू वी और डब्ल्यू का, अगर हम यहां पर सम फाइंड करते हैं इन तीनों का, मतलब अगर हम यहां पर इन तीनों को ऐड कर लें तो ऐड करने पर क्या होगा, बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऐड करने पे इन तीनों का सम क्या हो गया, जीरो। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो जाया करता है तो इस कंडीशन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या बन जाता है, थ्री ए बी सी, थ्री ए बी सी। तो अगर यू वी डब्ल्यू का सम जीरो हो गया तो इसका क्या मतलब है, हमने इसे यू माना था, इसे वी माना था, इसे डब्ल्यू माना था, यानी यू का क्यूब प्लस वी का क्यूब प्लस डब्ल्यू का क्यूब क्या हो जाएगा, थ्री यू वी डब्ल्यू। तो यहां पर एक बार इसे लिख देते हैं, तो ये तीनों जीरो हो गए, इट मींस इन तीनों के क्यूब का जो सम होगा दैट इज। अब बेटा हम आ गए हैं न्यूमरेटर में, इसे हमने यू वी और डब्ल्यू एज्यूम कर लिया था, तो इसका मतलब ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब कितना हो जाएगा, थ्री यू वी डब्ल्यू का क्या मतलब है, थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पॉइंट सभी को क्लियर है। यू क्यूब वी क्यूब डब्ल्यू क्यूब का सम 3UVW होगा, इसीलिए इन तीनों के क्यूब का सम ये हो चुका है। अब बेटा यहां पर देख सकते हैं आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सब एग्जिस्ट हो रहे हैं और हम यहां पर इनके भी फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक काम कर रहे हैं, यहां पर अभी हम इसके फैक्टर नहीं बना रहे हैं, जब हम इस वैल्यू को यहां पे लगाएंगे तब फैक्टर बना लेंगे। तो ये हमने समाधान कर लिया है न्यूमरेटर का, अब हमें यहां पर डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, इसे हम x मान रहे हैं, इसे y मान रहे हैं, इसे z मान रहे हैं, तो ये यहां तक हो चुका है न्यूमरेटर। अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, तो हमने यहां पर x मान लिया a माइनस बी, y को हमने एज्यूम कर लिया b माइनस सी और z को हमने एज्यूम कर लिया c माइनस ए, ठीक है। और फिर हमने क्या करा, इन तीनों का सम फाइंड करा x प्लस वाई प्लस जेड। जब इन तीनों का हम सम निकालेंगे तो यहां पर सम कितना आ रहा, b कैंसिल आउट हो रहा है, c कैंसिल आउट हो रहा है, a कैंसिल आउट, जीरो आ रहा है बेटा सम। तो ये भी प्रॉपर्टी बन गई, x प्लस वाई प्लस जेड का सम अगर जीरो हो गया तो इसका क्या मतलब है, एक्स क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 3 xyz। तो इट मींस डिनोमिनेटर में जो ये x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब है इसे हम 3xyz लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो यहां पर था a माइनस बी का क्यूब, b माइनस सी का क्यूब और c माइनस ए का क्यूब, ठीक है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3xyz, जिसका मतलब होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी और मल्टीप्लाइड बाय c माइनस ए। न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया, डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लिया, अब हम उस एक्सप्रेशन में वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। समझिए बेटा, इस वैल्यू को हमने निकाला था, ये वैल्यू आई है ये, डिनोमिनेटर को भी हमने इवेल्युएट कर लिया, अब हम दोनों को यहां पर रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करके यहां पर क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या मिला, 3 मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, बी माइनस सी और C माइनस ए, ठीक है, ये 3 को कैंसिल आउट कर लिया और हम देख सकते हैं यहां पर a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए आ रहे हैं, मतलब अगर ऊपर के हम फैक्टर कर लेते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके फैक्टर बनाओ a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी कैंसिल, इसी तरह इसके फैक्टर बनेंगे b माइनस सी कैंसिल और इसी तरह इसके फैक्टर बनेंगे c माइनस ए कैंसिल। लास्ट में फाइनल जो आंसर आपको मिलेगा ये आंसर मिलेगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी और मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस ए। क्लियर, सारे स्टेप सबको क्लियर हो गए? ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलिए। बिल्कुल करेंगे समराइज, देखिए हमने सबसे पहले इसे U, V और W को एज्यूम कर लिया, ठीक है, मतलब ये U, ये V और ये W। फिर हमने इन तीनों का सम करा और ऐड करने पर ये तीनों का सम जीरो आया। जब A प्लस B प्लस C जीरो हो जाया करता है तो A क्यूब B क्यूब C क्यूब का सम क्या होता है, 3ABC, याद है फॉर्मूला वाला। तो यहां पर इन तीनों के क्यूब का सम क्या होगा, 3
यू वी डब्ल्यू माना था ना हमने, और यू वी डब्ल्यू की यहां पे हमने लगा दी है वैल्यू। ऐसे ही इसे एक्स वाई और जेड माना, इनका सम जीरो आया, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का सम थ्री एक्स वाई जेड होगा। यहां पर हमने इस वैल्यू को लगा दिया तो ये थ्री एक्स वाई जेड मिला, और इस पूरे क्वेश्चन में हमने ये वैल्यू को रिप्लेस करा, थ्री कैंसिल आउट, इसके दो फैक्टर, इसके दो फैक्टर, इसके दो फैक्टर, फाइनल आंसर इज, ऑल स्टेप्स क्लियर। तो यहां तक हमने ये क्वेश्चनों को कवर करा है, अब हम यहां से कुछ डिफरेंट क्वेश्चनों को लेंगे और अब हम सीखते हैं फैक्टराइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम एंटर कर गए हैं आरडी शर्मा के, जिसमें हम बहुत डिफरेंट फैक्टराइजेशंस को कवर करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन लिख दीजिएगा, फैक्टराइज द फॉलोइंग, और फैक्टराइजेशन में जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन कवर करना है ये क्वेश्चन है 4a² - 9b² - 2a - 3b। इसके हमें फैक्टर बनाने हैं। 4a² का मतलब है 2a का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 3b का होल स्क्वायर। यहां से हमें दिख रहा है माइनस साइन कॉमन, तो हमने कॉमन निकाल लिया। अब ये बेटा आइडेंटिटी बन रही है, क्या लिख सकते हैं इसे हम, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब जो ये पूरी एक्सप्रेशन हमें मिली है, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कॉमन, इन दोनों टर्म में से बेटा मैंने पूछा कॉमन क्या निकल रहा है, तो यहां से हमने कॉमन निकाला 2a + 3b, और इसे कॉमन निकालने के बाद क्या रह जाएगा, ये वाली टर्म रह जाएगी 2a - 3b, और यहां पर क्या हो गया माइनस का 1। तो ये बन गए इसके फैक्टर, वन फैक्टर और ये अदर फैक्टर। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। a² - b² इसकी आइडेंटिटी का यूज किया है, ये होता है a + b a - b, देन टेकिंग कॉमन 2a + 3b। क्लियर, ओके। तो एक क्वेश्चन हमने कवर करा है फैक्टराइजेशन का, बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, x² + 2xy + y² - a² + 2ab - b² सबसे पहले तो यहां पे जानिए, जो ये x² + 2xy + y² हमें गिवन है, ये भी किसी का स्क्वायर बन रहा है, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, x + y² और इन तीन टर्म्स में से अगर हम माइनस साइन को कॉमन निकाल दें तो ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है, बन सकता है बेटा। तो ये फॉर्मूला बनेगा a - b²
नाउ अब कौन सी आइडेंटिटी यहां पर यूज हो रही है? अगर इसे हम ए कंसीडर कर लें और इसे बी कंसीडर कर लें तो ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी। मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। अब बाहर माइनस आएगा फिर ये आएगा, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो क्या मिलेगा? माइनस ए प्लस। तो ये बन चुके हैं इसके फैक्टर। स्टेप्स को देख लें, कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं। क्योंकि पहले वाले फैक्टर जो यहां पर होता है ये होता है a प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी। जब दूसरा a माइनस बी होगा तभी तो बाहर माइनस आएगा, और तब जब माइनस आएगा तभी तो साइन चेंज करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करा जाए। 3 माइनस 12 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहला काम, तो हमने इसमें से 3 को कॉमन निकाला। 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी का स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देखें। 1 माइनस, अब ये जो 4 है इसे भी तो हम 2 के स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, यानी 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो हम इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी और इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। नाउ अब हमने क्या करा, इस 2 को ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 2a माइनस 2b का स्क्वायर आ जाएगा और इसे हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर। ऑल स्टेप्स क्लियर। नाउ फिर से हम देख पा रहे हैं यहां पर आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस ये पूरा बेटा बी है, बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। अब बाहर माइनस आया फिर ये बी लिखना है तो साइन चेंज होंगे, माइनस 2a प्लस 2b। तो ये बन चुके हैं इसके फैक्टर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस जेड माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस जेड। अब यहां पर जो ये ब्रैकेट्स हैं हमें इन ब्रैकेट्स को पहले तो सॉल्व करना होगा, इसके लिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ फैक्टर बनाने के लिए हमें यहां पे अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज टर्म्स को अरेंज करके ही इसके फैक्टर बन पाएंगे। इसके लिए हमें यहां पर टर्म्स को अरेंज करना पड़ेगा। अब ये देखा जाता है कि अरेंज किस तरह से करा जाए जिससे कि फैक्टर बन जाए। तो हमें यहां पे दिख रहा है ये स्क्वायर की टर्म है और ये भी स्क्वायर की टर्म है, तो हमने इन दोनों टर्म को अरेंज कर लिया। और इसके बाद क्या रह गया बेटा?
एक्स जेड माइनस वाई जेड। हमने यहां पर इन दोनों टर्म को अरेंज करा और ये एक बन रही है आइडेंटिटी। लगा दे इसमें आइडेंटिटी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें हमने आइडेंटिटी को अप्लाई कर दिया जो आएगा एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई। और आपको दिख रहा है इन दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो z यहां से हम कॉमन निकालेंगे और जब हम z कॉमन निकालेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा x माइनस वाई। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, x माइनस वाई। तो अगर ये कॉमन निकल जाए हमें कितना मिलेगा, x प्लस वाई प्लस, बन गया बेटा दो फैक्टर। मैं फिर बताता हूं, सबसे पहले तो हमने यहां पे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया है, फिर हमने क्या करा, जो स्क्वायर की टर्म है यहां पर दो टर्म ऐसी हैं जिनमें स्क्वायर बन रहा है, एक एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। हमने इन दोनों टर्म को अरेंज करा क्योंकि दोनों में स्क्वायर बन रहा है, एक जैसी टर्म है, और इसके अलावा जो ये दो टर्म्स रह गए इसे हमने अरेंज करा। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है तो इसके फैक्टर भी तो बन सकते हैं, तो हमने इसके दो फैक्टर बना दिए, ये रहे दो फैक्टर। और जो बाकी की रिमेनिंग दो टर्म्स थी उसमें से हमने देखा जेड कॉमन निकल रहा, हमने जेड को कॉमन निकाल दिया, फिर हमने देखा इस पूरे में से x माइनस वाई कॉमन निकल रहा है। तो इस तरह से ना अरेंज करके देखा जाता है कि कैसा अरेंजमेंट करा जाए जिससे कि पूरा कॉमन बने, क्योंकि जब तक कॉमन नहीं बनेगा फैक्टर नहीं आ पाएंगे। एनी डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नंबर क्या था क्वेश्चन का, थर्ड, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे फैक्टराइजेशन ही चल रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। अब ये स्क्वायर यहां पर बन रहा है तो इसका मतलब है यहां पर आइडेंटिटी बननी चाहिए ना, तो हमने इसमें आइडेंटिटी को अप्लाई कर दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन दोनों टर्म में हमने माइनस कॉमन निकाला तो ये क्या बचेगा, सिंपल। अब इस पूरे में से क्या निकल रहा है कॉमन, तो a प्लस बी जब हम कॉमन निकाल लेंगे हमें मिल जाएगा इसका फैक्टर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंटर करें। सो नेक्स्ट फैक्टराइजेशन है 25x स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस का 10x प्लस 1 माइनस 36y स्क्वायर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। जो ये तीन टर्म हमें दिख रही हैं, मतलब दो टर्म इसमें x की है एंड वन इज कॉन्स्टेंट, इन तीन टर्म के हम फैक्टर बना सकते हैं। अब ये फैक्टर कैसे बनेंगे ढंग से देखिएगा, 25x स्क्वायर जिसे हम 5x के होल स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। अब जो ये वन है पहले मैं इसकी बात करूंगा, इसमें बाद में आऊंगा, इस वन को हम लिख सकते हैं वन का स्क्वायर। तो कुछ समझ में आया बेटा, ये ए स्क्वायर बन रहा है ये बी स्क्वायर बन रहा है, तो ये वाली जो टर्म है ये किसमें चेंज होनी चाहिए, टू ए बी।
ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो हमने यहां पर इन तीनों को जब अरेंज करा, हमने देखा एक फॉर्मूला हमें यहां पर मिल सकता है। अभी 36 वाई स्क्वायर में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ये? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर कौन सा बन रहा है? तो इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। एंड अब जो 36 वाई स्क्वायर है इसे हम 6 वाई के होल स्क्वायर में चेंज कर लें। एक मिनट, ये b का मतलब यहां पर 1 था, 5x माइनस 1 का स्क्वायर। तो फिर से यहां पर एक आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता है? a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस, तो बन गए इसके दो फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहिए बेटा हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन माइनस टू ए बी एंड माइनस साइन बाहर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस वाले माइनस साइन को पहले हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2ab इससे हमें मिलेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन तीनों टर्म में जब हम माइनस साइन को कॉमन निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, यही मिलेगा नहीं मिलेगा? और ये पूरा किसका स्क्वायर बन रहा है? ए प्लस बी का स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं वन माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, और इसे भी वन के स्क्वायर में चेंज कर लिया। तो फिर से आइडेंटिटी बन चुकी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। ध्यान रखिएगा फिर से बाहर माइनस आ रहा है, दोनों के साइन चेंज होने चाहिए। तो यहां तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे, हमने देखा इन क्वेश्चनों में जो आइडेंटिटी का यूज हुआ है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज हुआ। तो इस तरह से हम डिफरेंट केसेस को अलग अलग करके लिस्ट कर रहे हैं। हो गया नोट बेटा? तो अब हम कुछ डिफरेंट तरीके के फैक्टराइजेशन को यहां पर देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, और हमें इसके बनाने हैं फैक्टर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री यहां पर 2 है, और जब डिग्री 2 हो जाती है तो इस कंडीशन में मिडिल टर्म को स्प्लिट करा जा सकता है। तो हमने एनसीईआरटी में सिंपल केस देखे थे, अब यहां पर ये रूट आ चुका है, तो कैसे इसके फैक्टर बनाने हैं अच्छी तरह से ध्यान दें। प्रोसेस क्या था? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है और जो कांस्टेंट है इसे हम मल्टीप्लाई करते थे। इसका कोफिशियंट 1 है, कांस्टेंट 6 है, जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें मिलेगा 6। उसके बाद हम 6 के बनाते थे फैक्टर, और 6 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3।
लेकिन इन फैक्टर को हमें इस तरह से अरेंज करना होता था कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वाली टर्म बन जाए। लेकिन हमने देखा बेटा फैक्टर में तो रूट आ ही नहीं रहा है ना, जब फैक्टर में रूट आ ही नहीं रहा है तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप कैसे इसे ला सकते हैं, तो इसे कैसे याद रखोगे? हमें यहां पर रूट टू दिख रहा है, इसका मतलब है सिक्स के जो फैक्टर बने हैं उसमें भी रूट टू आना चाहिए, लेकिन इसमें रूट टू नहीं आया तो हम क्या करेंगे? जो यहां पर ये वाला टू है इसे हम लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू। क्लियर? ये देखते हुए ही स्प्लिट करा जाएगा कि यहां पर रूट किस में है। अगर रूट थ्री में होता थ्री को स्प्लिट करते, क्योंकि यहां पे रूट टू में था, हमने टू को स्प्लिट करा रूट टू इंटू रूट टू। तो अब इसके तीन फैक्टर बन गए रूट टू और थ्री। इन तीनों फैक्टर को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि हमें थ्री रूट टू मिल जाए। तो मैं बता रहा हूं कैसे मिलेगा थ्री रूट टू। इन तीन फैक्टर को किस तरह से अरेंज करें कि हमें थ्री रूट टू मिल जाए। ये तो गलत हो गया है। ओहो, क्वेश्चन में रूट थ्री है यहां पर, ये क्वेश्चन ही हमने क्योंकि ये अरेंज करके नहीं आ पा रहे गलत पिक कर लिया। क्वेश्चन में बेटा रूट टू नहीं है, रूट थ्री दिया है, तभी तो नहीं बन पा रहा ये। फिर लिखते हैं यार, क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर था एट, एक्स स्क्वायर प्लस ये था थ्री रूट थ्री इंटू एक्स प्लस सिक्स। अब सही है क्योंकि उसमें अरेंज करके फैक्टर नहीं बन रहे थे। प्रोसेस वही है, ये वन और ये सिक्स, जब हमने मल्टीप्लाई करा तो सिक्स होगा और सिक्स के फैक्टर होंगे टू इंटू थ्री। लेकिन यहां पर हमें इन फैक्टर को इस तरह अरेंज करना होता है, एड सब्ट्रैक्ट करके ये वाली टर्म आए। रूट थ्री इसमें एग्जिस्ट हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो रूट थ्री तो कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब है हमें यहां पे रूट थ्री लाना होगा। तो रूट थ्री लाने के लिए हम क्या करेंगे? हमने यहां पर थ्री को रूट थ्री इंटू रूट थ्री में चेंज कर लिया। अब इसके यहां पर तीन फैक्टर बन चुके हैं, किस तरह से इन्हें हम अरेंज करें, एड करें या सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि थ्री रूट थ्री बन जाए। तो मैं बताता हूं, एक फैक्टर बनेगा टू रूट थ्री और दूसरा फैक्टर बनेगा, अगर इन दोनों को एड करोगे इतना मिल रहा है, तो वो क्वेश्चन ही गलत था ना, इसलिए मिल रहा था। खैर, तो हमने इसके दो फैक्टर यहां पर लिख दिए। अब इसे आगे प्रोसीड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री एक्स मल्टीप्लाइड बाय रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स। अगर मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा, एड सब्ट्रैक्ट करोगे मिडिल टर्म मिलेगी। इसके बाद हम कॉमन निकालते हैं इन दोनों में, जब हम x को कॉमन निकालेंगे तो ये बहुत क्लियर है, हमें मिलेगा x प्लस टू रूट थ्री। अब यहां पर बेटा रूट वैसे तो बहुत सिंपल है, रूट थ्री कॉमन निकाल के इतना ही लिख दो, लेकिन अगर आपको समझना है तो मैं ये स्टेप समझाऊंगा। जो यहां पर सिक्स है, इस सिक्स के हमने फैक्टर क्या बनाए थे, ये तीन बने थे ना, तो सिक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री। ये तो बन चुका है फैक्टर। अब आप आसानी से देख सकते हैं इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आएगा,
इसमें कॉमन आएगा रूट थ्री, और रूट थ्री कॉमन निकालकर क्या रह जाएगा, एक्स प्लस टू रूट थ्री। तो ये वाला स्टेप जो हमने लिखा ये समझने के लिए है, कोई डाउट है तो आप तुरंत इसके फैक्टर को लिखें, देन कॉमन। और हम यहां पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है यहां पर अगर ये फैक्टर बना तो इसमें भी यही फैक्टर बनेगा, और ये फैक्टर बनने का मतलब यहां पर ये है कि रूट थ्री हटे, इसलिए दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, रूट थ्री। तो इतना ही लिख दो। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक्स प्लस आएगा बेटा, ये कॉमन निकल सकता है तो क्या रह जाएगा, एक्स प्लस, तो ये बन चुके हैं इसके दो फैक्टर। स्टेप को देख लीजिएगा, कोई डाउट अगर है आप पूछ सकते हैं। हालांकि अभी हम इस टाइप के और क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, रूट के डिफरेंट क्वेश्चन। एनी डाउट? नो? हाँ बेटा बोलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फैक्टराइजेशन का ही है क्वेश्चन, है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट थ्री एक्स माइनस 30। फिर से हम वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे, 1 और 30 को हमने मल्टीप्लाई करा, हमें 30 मिला। 30 के फैक्टर हमने करे और हमें मिला 6 इंटू 5, 6 के फिर फैक्टर कर लो तो 6 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमने यहां पर देखा कि जो मिडिल वाली टर्म है इसमें तो रूट थ्री आ रहा है, लेकिन फैक्टर में कहीं पे भी रूट थ्री नहीं दिख रहा है। जब तक रूट थ्री यहां पे नहीं आएगा तो कैसे बनाएंगे फैक्टर? तो हमने क्या करा, यहां पर जो 3 है इस 3 को चेंज कर लिया रूट थ्री इंटू रूट थ्री में। कर सकते हैं बेटा चेंज, अब हमें रूट थ्री मिल गया। तो बताइए ऐसे कौन से दो फैक्टर बनेंगे जिन्हें अरेंज करने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिडिल वाली टर्म बने। मैं बताता हूं, देखिए एक तो हो गया 5√3 और दूसरा हो गया 2√3। एक फैक्टर बना 5√3, सेकंड फैक्टर बना 2√3, क्योंकि 5√3 में अगर 2√3 को माइनस करोगे 3√3 मिलेगा। अरे मिलेगा नहीं मिलेगा? ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एक्स स्क्वायर, तो हमने फैक्टर बनाए, एक फैक्टर बना 5√3 और दूसरा फैक्टर बना 2√3। सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है 3√3। नाउ टेकिंग कॉमन, इन दोनों टर्म में जब हम x को कॉमन निकालेंगे वी गेट, वैसे तो बेटा हम समझ चुके हैं ना, कोई डाउट अगर हो, इस 30 की जगह आप ये फैक्टर लिख दो और लिखने के बाद तब कॉमन निकाल दो। लेकिन हमें मालूम है जब ये फैक्टर इतना आया तो यहां पर भी तो इतना ही आएगा, और यहां पर x रहे इसके लिए क्या कॉमन निकलेगा, जब हम 2√3 को कॉमन निकालेंगे तभी तो यहां पर हमें x मिलेगा, और ये तो इतना आना ही है। अगर आप चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक का मतलब मल्टीप्लाई करके देख लो यार, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 5 × 2 = 10, √3 × √3 = 10 × 3। क्लियर? तो एक फैक्टर यहां पर आया x प्लस 5√3 एंड द अदर फैक्टर इज x माइनस 2√3। एनी डाउट? तो हमने यहां पर ये रूट वाले दो क्वेश्चन देख लिए, अभी मैं तुम्हें और क्वेश्चन दिखाने वाला हूं थोड़े से और डिफरेंट,
थोड़े से रूट और बना देते हैं यहाँ पर, कैसा रहेगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर भूल जा रहे हैं बेटा, नाइन्थ हुआ था यहां पर, अब ये टेंथ है। तो अब टेंथ क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़े से रूट और चेंज कर दे रहे हैं, फोर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। अब यहां पर इन दोनों टर्म में रूट आ गया। देखिए मेथड को फॉलो करें, क्वेश्चन को करने का मेथड क्या है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मेथड क्या है, उस मेथड को आपको स्ट्राइक करना है। क्वेश्चन अलग भी होगा तब भी आप पूरा कर लेंगे। प्रोसेस यह था, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और इस कॉन्स्टेंट को हम मल्टीप्लाई करते थे, 4 × 2 = 8, √3 = 3 एंड 8 × 3 = 24, तो इसे मल्टीप्लाई करके 24 आएगा बेटा। अब 24 के फैक्टर बनाइए, प्राइम फैक्टर बनाइए। 24 क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 3। अब हमें इन फैक्टर को ऐसे अरेंज करना है कि हमें 5x मिले। मतलब 8 और 3, तो इसके फैक्टर बने, एक फैक्टर बनेगा 8 और एक फैक्टर बनेगा 3, क्योंकि 8 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 5x। देखो इसमें एक चीज और ध्यान रख लो, अगर इस वाली टर्म में माइनस साइन दिख रहा है तो इसका मतलब है जो फैक्टर बनेंगे वो माइनस करने के बाद इतने आएंगे। जैसे यहां पर आपको दिख रहा था ये माइनस साइन, तो फैक्टर माइनस करने के बाद ही आए, मतलब दोनों को माइनस करके तब मिडिल टर्म मिलेगी। अभी मैं और दिखाता हूं आपको। अब हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था ना, यहां पर क्या था, प्लस का साइन, तो इसका मतलब है जो दो फैक्टर बने हैं उन्हें ऐड करने के बाद ही आएगा। तो अगर यहां पर माइनस का साइन है, इसका मतलब है फैक्टर को माइनस करने के बाद मिडिल टर्म मिलेगी, और यहां पर अगर ये वाला साइन जो कांस्टेंट है पॉजिटिव होगा तो दोनों फैक्टर को ऐड करने के बाद तब मिडिल टर्म मिलेगी। ठीक है, लॉजिक से याद करो। तो दो फैक्टर अब हमारे सामने आ चुके हैं, 4√3x² क्या बने थे बेटा फैक्टर, 8x 3x। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन निकालने की। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन निकालने की। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 4 और एक आ रहा है x, ये कॉमन निकाल के कितना रह जाएगा, √3x+। अब अगर यहां पर ये वाला फैक्टर बना तो इसमें भी तो यही फैक्टर बनेगा, ये फैक्टर बनने का मतलब है यहां पर ये 2 रहेगा, इट मींस क्या कॉमन आ रहा है, √3। और वैसे भी यार सिंपल सी बात है, इस वाले 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, तब तो इसमें √3 कॉमन आ जाता ना। तो ये लॉजिक्स लगाओ, हमें कॉमन निकालना है √3, इतना ही मिलेगा √3x+2, क्योंकि यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 आएगा, तभी आएगा जब ये √3 हटे, यानी इसे कॉमन निकाल दो। तो क्या बना, एक फैक्टर, √3x+2, और दूसरा फैक्टर क्या बना, 4x − √3। एनी डाउट, तो ये हमने रूट वाले फैक्टराइजेशन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं, क्वेश्चनों को लीजिए, पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा आज मिडिल टर्म स्प्लिट का मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फाइव रूट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 30x एंड प्लस 8 root 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 8 into 5 40, रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव, 40 into 5 200। तो 200 के फैक्टर बनाने हैं जिससे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 30 बने। देखो प्रोसेस तो वही होता है, हम इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है, 30 आ रहा है तो 200 के फैक्टर क्या बनेंगे, एक तो बनेगा 20 और एक बनेगा 10। जब दोनों को ऐड करोगे 30 ही तो मिलेगा। बोलिए यस और नॉट। तो दो फैक्टर बेटा हमें यहां पे मिल गया। अब इसे नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, फाइव रूट फाइव एक्स स्क्वायर और एक फैक्टर हमें मिला 20x, अदर फैक्टर 10x, और यहां पे कितना था 8 root 5 प्लस 8 root 5। अब बात करते हैं कॉमन निकालने की। तो अगर हमने यहां पर देखा, देखिए वैसे तो रूट फाइव भी यहां पे कॉमन आ रहा है, लेकिन अभी मान लो हमें ये दिख रहा है कि केवल 5 कॉमन है, सपोज करो, तो हमने 5 ही निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, 5x कॉमन निकालो। जब हमने 5x कॉमन निकाला तो यहां पर क्या रह जाएगा, रूट फाइव एक्स प्लस 5 ही कॉमन निकलेगा, रूट 5 तो निकलेगा नहीं वैसे भी। अब इसमें देखिए, अगर ये 4 है तो इसका मतलब कितना कॉमन निकाला जाए जिससे कि यहां पर केवल 4 रह जाए। बेटा ये 4 है तो यहां पर भी 4 बचना चाहिए, तो इन दोनों में से कितना कॉमन निकाल दें जिससे कि यहां पर 4 रह जाए। अरे 2 root 5, रूट 5 तो निकलेगा ही निकलेगा, और 8 4 कब बनेगा, जब इसमें 2 कॉमन निकले। तो यहां से 2 root 5 अगर हम कॉमन निकालेंगे हमें इतना ही मिलेगा, क्योंकि हमें मालूम है दोनों फैक्टर इक्वल ही तो हुआ करते हैं। क्रॉस चेक कर लो यार, ऐसा भी देख सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन रहा है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 root 5 बन रहा है। तो ये देखते हुए जो फैक्टर यहां पे बनेगा वही फैक्टर यहां पे बनेगा, हम आसानी से कॉमन निकाल सकते हैं, कंफ्यूजन से बच सकते हैं। एनी डाउट? तो एक फैक्टर यहां पर हमें क्या मिला, रूट फाइव एक्स प्लस 4 एंड अदर फैक्टर 5x प्लस 2 root 5। क्लियर बेटा? चलिए, क्लियर अगर हो गया है तो क्यों ना और क्वेश्चन को कवर करें। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह के रूट वाला, 7 root 2x square माइनस 10x माइनस 4 root 2। मल्टीप्लाई इन दोनों को कर लें, रूट टू इंटू रूट टू 2, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 7 अब इसके फैक्टर करके हमें यहां पर 10 लाना है, तो 56 के प्राइम फैक्टर बनाओ, इसमें कौन सा दिमाग लगाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ये बना, ये तो प्रोसेस था मल्टीप्लाई करके तब बनाओ। और अगर हम चाहें तो हम 56 ना लिखें, अब तो बहुत हो गई है प्रैक्टिस, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना,
तो 7 रूट 2, 4 रूट 2, 7 इंटू रूट 2, रूट 2 को हमने लिख दिया 2 और 4 को लिख दिया 2 इंटू 2, क्लियर है? क्योंकि अभी तक तो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, इसे मल्टीप्लाई करें फिर फैक्टर बनाएं। अब जब यहां पर पहले से ही फैक्टर बने हुए हैं तो क्यों करें, सीधे से ना लिख दें, क्लियर? तो ये बन गए हैं फैक्टर, और इन फैक्टर को अरेंज करके 10 लाना है, बिल्कुल सही। 14 माइनस 4, देखा हमने यहां पे माइनस साइन आया था, तो फैक्टर भी माइनस करके बने 7 रूट 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4x और माइनस का 4 रूट 2, क्लियर बेटा? अब यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, फिलहाल अभी हमें 7 ही दिख रहा है, कोई बात नहीं, हमने 7 ही निकाल दिया। 7 निकालने के बाद कितना रह जाएगा, रूट 2x माइनस, अब यहां पर हमें दिख रहा है 4 कॉमन, लेकिन जब हमने यहां पे 7 कॉमन निकाला तो हमने देखा कि ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, और जो यहां पर 2 बच रहा है इसे अगर रूट 2 और रूट 2 लिख दिया जाए तो अब रूट 2 भी कॉमन आ सकता है, यानी इसमें हमें अब फिर से रूट 2 को कॉमन निकाल देना है। ये स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए करवाया, अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट ही मैं यहां से 7 रूट 2 कॉमन निकाल देता, लेकिन मैंने बताया कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जिस तरह समझ में आ जाए। हमें देखा 7 कॉमन है, पहले हमने 7 ही निकाल दिया, फिर हमें देखा अब ये रूट 2 भी कॉमन निकाला तो हमने रूट 2 भी निकाल दिया। तो एक स्टेप में भी कर सकते हैं और दो स्टेप में भी कर सकते हैं, केवल क्लियर करने के लिए मैंने आपको दो स्टेप लगाए, अदरवाइज एक स्टेप में भी निकाल देता मैं इसे। अब यहां पर कॉमन दिख रहा है x माइनस रूट 2, तो एक फैक्टर तो ये हमारा आ गया, और दूसरा फैक्टर क्या आएगा, 7 रूट 2 एक्स प्लस 4, क्लियर बन गए इसके फैक्टर। देखिए तरीका ये भी था, हम यहां से पहले कॉमन ना निकाले, हम यहां से निकाल लें, जब हम यहां से कॉमन निकालते तो 4 कॉमन निकलता, और हमें मालूम है यहां पे x बच रहा है, तो x तभी बचता जब इसमें से क्या कॉमन निकलता, 7 रूट 2, क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि हमें लग रहा है कि एक स्टेप में कॉमन नहीं आ पा रहा है, हम दो स्टेप का यूज कर लें, बस क्या है दिक्कत है, आपका केवल स्टेप में तो बढ़ेगा ना, गलती तो नहीं होगी। तो यहां तक हमने अपडेट कर लिया है इन क्वेश्चनों को, और आगे भी इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन आरडी शर्मा के क्वेश्चन कंटिन्यू रहेंगे, तो कल हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं कल फिर, ओके बाय बेटा।